खुशी है। पहले तो ये आज प्रकाश पूर्व पे, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पूर्व पे प्राइम मिनिस्टर ने ये जो फैसला किया और अनाउंस किया कि तीनों जो कानून किसानों के खिलाफ थे वो उन्होंने, जो किसान हमारे पंजाब के समर्थन के खिलाफ हैं वो उन्होंने वापस ले लिए और माफ़ी भी किसानों से मांग ली। तो इससे बड़ी बात नहीं कोई कर सकता और मैं उनका बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब ने सारी ये जो हालात बनाए हैं और जो कर दिए, इससे ज़्यादा कोई नहीं कुछ कर सकता। क्या लगता है ये टाइमिंग सही थी? आज गुरपुरब भी है, बहुत बड़ा दिन है। मैं समझता हूँ ये तो कुछ ऊपर से ही कुछ आवाज़ आई होगी कि जिस तरीके से गुरपुरब पे सारी बातें हो गई, करतारपुर साहब का लांगा भी खुल गया, आज श्रद्धालु गए हैं बहुत, और ये किसानों का कानून भी ख़त्म हो गए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और दिन भी ऐसा जो हमारे गुरु नानक देव जी का प्रकाश पूर्व है, तो सब कुछ एक बहुत। और मैं तो चाहता हूँ कि किसान उठें और जाके घरों में अभी खुशी मनाएं कि ये जो सब कुछ हो गया है। अभी भी किसान वहाँ बैठे हुए हैं, उसी उक्त मोर्चे की मीटिंग शायद होगी, उसके बाद क्या लगता है आपको कि अभी देखिए इससे ज़्यादा नहीं कुछ कर सकता। और मैं समझता हूँ जब पार्लियामेंट, जब प्राइम मिनिस्टर ने एक नेशनल ब्रॉडकास्ट में ये बात अनाउंस कर दी और उन्होंने अपना कह दिया कि मैं माफ़ी भी मांगता हूँ, जो कुछ हो गया हमने किया था उनके हक में, लेकिन वो नहीं उसको मानते, वो ठीक है, वो दूसरी बातें कहने की, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगी है। जब माफ़ी मांग ली तो और कह दिया, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ, अब हाउस कब मीट होगा? हाउस मीट होगा 29 नवंबर को, आज से कोई 10 दिन बाद, और फिर उसमें बिल आ जाएगा और वो बिल विड्रॉ हो जाएंगे तो बात खत्म हो जाएगी, तो अब बैठने का क्या फायदा है? अभी इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह की क्या स्टेप होगा, क्या पार्टी बीजेपी के साथ? वो तो पहले आज से, मैं तो 3 महीने से कह रहा हूँ कि हम जब मैंने कहा था पहला है किसानों का मसला, उसके बाद हम आपके साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। जो आपने कहा था, आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ने अब पूरा कर दिया है और अभी आगे का रास्ता? इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं? ये तो जो तीनों बिल्स थे, तीनों बिल विड्रॉ कर लिए, तो इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? एक पॉल्यूशन का मुद्दा काफ़ी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है लोगों के स्वास्थ्य के लिए है और लोगों के स्वास्थ्य नंबर एक होती है, तो इसमें कोई झगड़ा झगड़ा नहीं होना चाहिए। जो किसान, ये ज़रूर है अगर गवर्नमेंट कुछ कुछ उनकी हेल्प करने के लिए फार्मर्स के लिए, अगर मैंने पहले भी सजेस्ट किया था क्योंकि मैं भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर था स्टेट का जब मैं गवर्नमेंट में था, उसमें मैंने कहा था तब कि अगर एक इतना पैसा आप दे दो एक्स्ट्रा, फिर वो फार्मर्स को वो जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको कुछ स्प्रे कर सकते हैं, उसकी जो सेल्यूलोस है टूट जाता है और फिर उसको प्लाव इन कर सकते हैं, पर उसके लिए पैसा, क्योंकि लोग तो 70% किसान तो मेरे 5 एकड़ से कम है। पर चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बोला कि कोई एफआईआर नहीं होगी, जो होगी वो वापस ले, ये कहना और ये आई डोंट नो, दैट इज बिटवीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब एंड द सुप्रीम कोर्ट। कैप्टन साहब, कई जो अपोजिशन पार्टी हैं उनका अभी भी विरोध है, उन्होंने बोला बहुत लेट हुआ फार्मर की डेथ, वो तो कहना ही है, अब उनको वो नहीं कर सके, किसी और ने कर दिया, क्रेडिट किसी और को मिल रहा है, तो जो अपोजिशन पार्टी उसने कुछ और कहना है, ये तो पॉलिटिक्स में चलती रहती है बात। आपको लगता है कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने बड़े मन से कहा कि ये मैंने भले के लिए किया था लेकिन ये नहीं हुआ, चलो हम उसके लिए कर रहे हैं, क्या लगता है कि किसानों का इसमें भला है कि लॉज वापस? नेचुरली देखिए, मैं जैसे पहले कह चुका हूँ, किसानी जो है हिंदुस्तान की हर प्रांत की अपनी अपनी है, एंड यू कांट, ये जो लॉज हैं एपीएमसी एक्ट वगैरह, ये सिर्फ अप्लीकेबल है पंजाब को और मे बी हरियाणा को और पुराना पंजाब जो था, इसलिए बाकी स्टेटों को इसमें इसका कोई इफेक्ट नहीं था, पर पंजाब ने रिएक्ट किया ज़्यादा बिकॉज ये पंजाब को इफेक्टिव है, और तभी ये जो कानून तीनों थे उन्होंने वापस कर लिए।